नमस्कार, आज हम रचनाओं के बारे में सीखेंगे। कभी कभी शुद्ध आकृतियों की हमें आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, किसी बनने वाले भवन का मानचित्र बनाना, औजारों और मशीनों के विभिन्न भागों का खाका बनाना, सड़क का मानचित्र बनाना आदि। इन आकृतियों को बनाने के लिए कुछ आधारभूत ज्यामितीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा जिसमें निम्न उपकरण होते हैं: आशांकित पटरी, सेट स्क्वायर, प्रकार अर्थात कंपस, चांदा अर्थात प्रोट्रैक्टर। अब हम कुछ आधारभूत रचनाओं के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम है समद्विभाजक की रचना। समद्विभाजक का अर्थ होता है एक रेखा जो एक कोण को दो बराबर कोणों में विभाजित करती है। अब हम रचना के चरण पर गौर करेंगे। हमें दो किरण दिए गए हैं, BC और BA। हमें इन किरणों के समद्विभाजक की रचना करनी है। अब आपको B को केंद्र मानकर अपने कंपास से कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगानी है, जो किरण BA और BC को E और D पर प्रतिच्छेद करती है। अब आप E को केंद्र मानकर तथा DE से के आधी लंबाई से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। उसी त्रिज्या को लेकर D को केंद्र मानकर एक और चाप लगाइए, जो F पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब EF और DF को मिलाइए। अब आप किरण BF को खींचिए। यही किरण BF कोण ABC का अभीष्ट समद्विभाजक है। आइए हम देखते हैं कि इस विधि से हमें कोण समद्विभाजक कैसे प्राप्त हुआ है। आकृति के अनुसार BE BD के बराबर है, क्योंकि हमने B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर चाप लगाई थी, जिसने BC और BA को D और E पर प्रतिच्छेद किया था। ऐसे ही EF और DF भी बराबर है, क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। हमने D को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या जो DE के आधी लंबाई से बड़ी है लेकर एक चाप लगाई थी, और फिर उसी त्रिज्या को लेकर E को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई थी, जिसने F पर प्रतिच्छेद किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि EF और DF बराबर हैं। BF तो BF के बराबर ही है, इस कारण हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज BEF त्रिभुज BDF के समान है। SSS नियम के अनुसार हम यह कह सकते हैं, और कोण EBF कोण DBF के बराबर है। यह हम CPCT से कह रहे हैं। अब हम लंब समद्विभाजक की रचना सीखेंगे। अब हम रचना के चरण पर गौर करते हैं। सबसे प्रथम आप एक रेखा AB बनाइए। अब B को केंद्र मानकर AB की आधी लंबाई से अधिक एक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाइए, एक AB के ऊपर और एक नीचे।
अब उसी त्रिज्या को लेकर ए को केंद्र मानकर दो चाप लगाइए। मानते हैं कि यह है, पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ए बी को पी से और क्यू से मिलाइए। अब पी क्यू को जोड़िए। माना कि पी क्यू ए बी को एम पर प्रतिच्छेद करता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस विधि से हमें लंब समद्विभाजक कैसे प्राप्त हुआ है। एपी बीपी के समान है क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। हमने एक ही त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर और ए को केंद्र मानकर चाप लगाए थे, इसलिए एपी और बीपी समान है। इसी कारण से ए क्यू और बी क्यू भी समान है। पी क्यू के समान है, इसलिए त्रिभुज पी ए क्यू त्रिभुज पी बी क्यू के बराबर है एस 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 नियम अनुसार। और कोण ए पी एम कोण बी पी एम के समान है सी पी सी टी के अनुसार। हमने यह देखा कि एपी बीपी के समान है, पीएम पीएम के समान है, कोण एपीएम कोण बीपीएम के समान है, इसलिए हम एसएएस नियम अनुसार कह सकते हैं कि त्रिभुज पीएक्यू त्रिभुज पीबीक्यू के समान है। सीपीसीटी से एएम बीएम के समान है और कोण पीएमए कोण पीएमबी के समान है। क्योंकि एबी एक सीधी रेखा है, कोण पीएमए का योग कोण पीएमबी के साथ 180 डिग्री देता है और हमें यह पता है कि कोण पीएमए और कोण पीएमबी समान है, इसलिए वह दोनों अर्थात कोण पी एम ए और कोण पी एम बी 90 डिग्री है, इसलिए रेखा पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब हम 60 डिग्री के कोण की रचना करना सीखेंगे। रचना के चरण इस प्रकार है, आप सबसे पहले रेखा एबी को बनाइए और ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप लगाइए जो माना एबी को डी पर प्रतिच्छेद करता है। अब डी को केंद्र मानकर वही त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो पिछले बनाए हुए त्रिज्या को ई पर प्रतिच्छेद करता है। अब आप ई से जाने वाले किरण एसी को खींचिए। कोण सी ए बी ही 60 डिग्री का अभीष्ट कोण है। डी ई को मिलाइए। आइए अब हम देखते हैं कि इस विधि से हमने 60 डिग्री के कोण को कैसे प्राप्त किया है। सबसे पहले आप डी को मिलाइए। आकृति के अनुसार ए ई ए डी और डी ई समान है क्योंकि हमने जो त्रिज्या लेकर डी को प्राप्त किया है उसी त्रिज्या को लेकर डी को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाई है जिससे हमें ई प्राप्त हुआ है। इससे हम यह देख सकते हैं कि ए ई ए डी और डी ई समान होंगे।
इसलिए त्रिभुज ई ए डी समबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण ई ए डी जो समबाहु त्रिभुज का कोण है वह 60 डिग्री है, और कोण सी ए बी कोण ई ए डी के बराबर है जो 60 डिग्री है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम त्रिभुजों की कुछ रचनाएं सीखेंगे।